गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में आपको तो शायद याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था सब एजेंट्स कौन होते हैं। एक तो लीगल मैक्सिमम भी डिस्कस किया था, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे और सेक्शन 90 को भी 190 को भी रेफर किया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेदर अ कॉरपोरेशन एंड एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्या कॉरपोरेशन जो होता है स्टेट के अंडर, वो क्या गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एजेंट होता है कि नहीं होता, आज हम लोग वो जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए ताकि आपको आगे भी लेटेस्ट वीडियोस मिले। तो क्या है द क्वेश्चन, वेदर कॉरपोरेशन इज एन एजेंट और सर्वेंट ऑफ द स्टेट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। अब एजेंट है कि सर्वेंट है कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट का, ये तो डिसाइड होगा ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन आर डिफाइंड इन स्टैट्यूट दैट इज इन अ लॉ पास्ड बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब कोई भी लॉ पास किया गया है, मतलब स्टेट ने कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, उसके एब्सेंस में कोई कमर्शियल कॉरपोरेशन है एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट इज कंट्रोल होल्ली, अगर वो कंट्रोल किया जाता है होल्ली मतलब पूरा कंट्रोल करता है या फिर इन पार्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कॉरपोरेशन मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कॉरपोरेशन को कंट्रोल करता है होली और इन पार्शियल विल प्रिज्यूम नॉट टू बी, तब उसको प्रिज्यूम मतलब एज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट या एजेंट ऑफ द स्टेट नहीं है। इफ द स्टेट वेयर However, the corporation is performing in substance of government, governmental and not commercial functions. मतलब कि अगर commercial functions perform कर रहा है government department, तब उसको servant या agent of the state नहीं बोला जाएगा, मतलब तब corporation agent नहीं है। पर अगर वो commercial functions perform नहीं कर रहा है, an inference will be readily made that it is an agent of the गवर्नमेंट। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर सिंपली आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है इसका मतलब है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, अब उस लॉ के एब्सेंस में वो लॉ नहीं है, मतलब उस लॉ के एब्सेंस में वो लॉ हटा दो आप, अ कमर्शियल कॉरपोरेशन एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट इज कंट्रोल्ड होली, पूरा अगर कंट्रोल करता है या पार्शियली बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी प्रिज्यूम्ड नॉट टू बी अ सर्वेंट, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि नॉट टू वो सर्वेंट नहीं है। मतलब अगर कमर्शियल डिपार्टमेंट कमर्शियल कॉरपोरेशन है जो एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट देन इट विल बी प्रिज्यूम दैट इट इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ और एजेंट ऑफ द स्टेट। बट हाउएवर द कॉरपोरेशन इज परफॉर्मिंग इन सब्सटेंस गवर्नमेंटल, अगर वो कमर्शियल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता तब मान लिया जाएगा, मतलब कमर्शियल फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता कमर्शियल फंक्शंस तब इन्फ्लुएंस आएगा दैट इट इज द एजेंट ऑफ द स्टेट, अगर परफॉर्म करता है तो उसको एजेंट नहीं बोला जाएगा स्टेट का, सिंपल यही हो गया। एक तो केस लॉ है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर विशाखापट्टनम। आपको चाहे अगर नोट डाउन करना है केस लॉ आप नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और बाकी लोग कोई बोलिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको और भी लॉ के वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।